हम बिहार आ रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पधार रहे पटना, जाने पूरा कार्यक्रम पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पटना पधार रहे हैं। पटना में उनके कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। अब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ही एक वीडियो जारी कर अपने कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पटना पधार रहे हैं। पटना में उनके कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। अब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ही एक वीडियो जारी कर अपने कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वह अगले महीने यानी मई की 13 तारीख को बिहार की राजधानी पटना पधार रहे हैं। उनके कार्यक्रम का ऐलान होने से उनके समर्थकों में गजब का उत्साह है। वीडियो संदेश में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भोजपुरी में अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, का बात बाहो रहुआ, सब ठीक बानी, जुग जुग जिया, अमर होई जाई, गोर लागी। फिर उन्होंने कहा, हम बिहार आ रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा। पटना में 13 मई से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 13 मई से 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में उनका भव्य कार्यक्रम होगा। काफी कम उम्र में अपनी पहचान बना चुके पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और उनको लेकर टीवी पर कई डिबेट हो चुके हैं। उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने को लेकर कईयों के निशाने पर आ गए थे। एक टीवी इंटरव्यू में पंडित शास्त्री ने कहा था कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी तरह भारत में मुसलमान रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई पाकिस्तानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नहीं करेगा, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तो हमें ही करनी होगी। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। महज 26 साल की उम्र में करोड़ों लोगों को भक्त और प्रभु के प्रेम और भक्ति में पागल बना चुके बागेश्वर बाबा के सामने बड़े बड़े VIP और नेता मंत्री सिर झुकाए खड़े रहते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन से जुड़े तथ्यों को लोग दिलचस्पी के साथ खंगालते हैं। हिंदू राष्ट्र के सपने के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश में आगे भी जगह जगह कथा करना है, यही वजह है। उन्होंने कहा, अनुकूल समय में जब हनुमान जी हमें प्रेरणा देंगे तब हम उत्तर प्रदेश को राममय बनाने और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ आएंगे। हालांकि बाबा ने उत्तर प्रदेश की जनता को समझाते हुए कहा, हम ऐसे माहौल में सभी ऐसे कार्य करें जिससे विश्व कल्याण हो, समाज का उत्थान हो और किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो।